हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम ऋग्वैदिक कालीन की नदियाँ को उनके पुराने नाम और उनके वर्तमान में कहे जाने वाले नामों को जानेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन अभी कुछ नदियाँ जो इनमें से हैं वो कुछ विलुप्त भी हो गई हैं, लेकिन उनको अभी भी किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। तो आज उनको हम देखने की कोशिश करेंगे और एक ट्रिक भी उनके साथ याद करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे माइंड में रिमेम्बर रहें। हमारी पहली नदी है चिनाब। इसको अगर बात करें वैदिक पीरियड में आस्किनी नाम से जानते थे। तो चिनाब में हमें क्या दिख रहा है, चीन, और आस्किनी में अक्साई। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं चीन ने किस पे कब्जा किया है, अक्साई भारत पे, जो हमारा लद्दाख वाला एरिया है। तो चीन से चीन और इसका आस्किनी से अक्साई। दूसरी नदी है झेलम, और इसको अगर बात करें तो ऋग वैदिक पीरियड में वितस्ता कहा जाता था। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पास्ता खाता है या फिर जो पिस्ता खाता है उसको कोई झेल नहीं सकता। झेल नहीं कर सकता मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। जो पास्ता या फिर पिस्ता खाएगा उसके पास एनर्जी आ जाएगी तो उसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा तीसरा नदी है व्यास यहाँ पे, और इसको विपाशा नाम से कहा जाता था। तो व्यास में याश और विपाशा में पास, याश पास। रावी जो कि हमारी नदी है नेक्स्ट, और इसको हम परुशली नाम से ऋग्वैदिक पीरियड में जानते थे। तो रावी में हमें क्या दिख रहा है, रवि। रवि किसका नाम है, एक पुरुष का नाम है। रवि किसका नाम है, पुरुष का नाम है। तो रवि से रावी, पुरुष से परुशली। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट है गंडक। गंडक नदी, इसको ऋग्वैदिक पीरियड में हम सदा नीरा कहते थे। तो जो डक होती हैं, गंडक में हमें क्या दिख रहा है, डक। डक यानी बतख। वो कहाँ पे तैरते हैं, डक जहाँ पे तैरेंगे वहाँ पे क्या मतलब हमेशा पानी रहना चाहिए कि नहीं, तो कहाँ पे तैरेंगे वो, जहाँ पे पानी हमेशा रहेगा। और कहाँ पानी रहेगा, यानी सदा नीरा, जहाँ पर हमेशा पानी रहे। ठीक, हमारा नेक्स्ट नदी है घग्घर, जिसको हम ऋग्वैदिक पीरियड में कहते थे द्विषदती। तो जो घर होता है वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। हम लोग के भी घर में क्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। तो घग से घग्घर, द्वेष से द्विषदती। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे हमारी नदी है गोमल, और जिसे गोमती नाम से कहते थे। सॉरी, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया है, गोमती इसे अभी वर्तमान में कहा जाता है, गोमल इसको ऋग्वैदिक पीरियड में कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ पे गो गो दोनों में दिख रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तुंगभद्रा, जिसको हम पहले पंपा नाम से जानते थे। तो जो पंपा है, पंपा यानी कि चंपा, उसकी क्या है, सकल भद्दी है। ठीक, तो इसको पंपा को चंपा बना लीजिए और भद्रा से भद्दी। तो यानी जो चंपा है उसकी सकल कैसी है, भद्दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट नदी है सरस्वती, जिसे नदी तरना नाम से भी पहले जाने जाता था। तो जो सरस्वती हैं वो अब गायब हो चुकी हैं, अब वो विलुप्त हो चुके हैं। तो सिर्फ इनका नाम ही तर रहा है, मतलब सिर्फ नाम लोग इनका जानते हैं, बाकी अब ये अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति में नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, सिर्फ तर रही हैं। हमारी नेक्स्ट है सतलुज, इसमें भी उसको हम सतद्री के नाम से जानते थे, जिसमें देखो शत, इसमें भी श्रद्ध। तो ये भी बहुत ईजी है याद करना। नेक्स्ट भी ऐसे ही सारे हैं। कुर्रम, जिसे कुभ्रू कहते थे, क्रू कु दोनों में कु। नेक्स्ट है हमारा काबुल, और ये है कुभा। तो जो काबू है, काबुल का काबू, और कुभा से कुंभ। कुंभ मेला जो होता है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। तो मतलब काबू नहीं क्या होता था, कुंभ मेला काबू में नहीं रहता। ठीक, नेक्स्ट है स्वात, और इसको सुवास्तु नाम से जानते थे। तो दोनों में आप देखते हैं वात वात दिख रहा है, उसमें स्वास्थ और इसमें स्वास्तु। ठीक, फिर नेक्स्ट है सिंध, इसको सिंधु नाम से जानते थे। ठीक, नेक्स्ट है सोहन, सोहन सोहन की शादी किससे हुई है, मान लीजिए सुषमा नाम से लड़की से हुई है। तो सोहन की शादी किससे हुई है, सुषमा। तो यानी कि सोहन और सुषमा। बाकी नेक्स्ट है हमारा लास्ट है मरु वर्मन, जिसको हम मरु वृद्धा जानते थे।
मरु वर्मन, इसमें भी मरु दिख रहा है हमें, और मरु द्विविधा में भी हमें मरु दिख रहा है। तो गाइस आपने देखा कि जो हमारी ऋग वैदिक पीरियड काल की नदियां हैं उनको हमने एक छोटे से ट्रिक से या फिर उनको थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की कोशिश की है। अगर आप इसको दो तीन बार वीडियोस को देखेंगे तो आई एम श्योर आपको ये माइंड में रिमेम्बर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपको टेक केयर एंड बाय।